नाबालिग के साथ अधेड़ने की छेड़खानी, पीड़ित लगा रहा न्याय की गुहार। मामला जिला झांसी के कोतवाली गरौठा अंतर्गत आने वाले ग्राम निपान का है, जहां के निवासी अशोक कुमार ने कोतवाली गरौठा में लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 बजे के लगभग उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष बकरियां चरा रही थी, तभी गांव के ही व्यक्ति देवी दीन पुत्र देवजू ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग द्वारा चिल्लाने पर गांव के ही कुछ लोग दौड़ पड़े, जिसके बाद देवी दीन धमकी देते हुए बोला कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और भाग गया। पीड़िता नाबालिग का पिता बाहर रहकर मजदूरी करता है, इस वजह से नाबालिग बच्ची डरी और सहमी हुई रहने लगी। इस बात की जानकारी उसके पिता को हुई तो उसने आकर 7 मई को 2023 को कोतवाली गरौठा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई, परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। ये रवैया गरौठा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप कहां तक सच हैं? इसकी गरौठा पुलिस को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। गरौठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। कहाँ के निवासी हो? निपान के। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी बहन और हम चोरी चराने गए थे, पाछे से देवी दीन बाबा आया, उसने मुझे पकड़ लिया और सीना दब दिया, तभी वो आया भूप्पू चाचा, उसने ललकारा और वो घर चले गया और देवी दीन बाबा ने उसने कहा कि घर मत बताना, नहीं तो घर बताओगी तो मैं मार डालूंगा, कुलज्जा से कहा। क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ के निवासी हो? नेपाल। क्या घटना हुई आपके बच्ची के साथ? बच्ची के साथ कौन बहुत घटना हुई, बच्ची ने फोन करा हमको, हम आते बाहर तो 2 दिन बैठे रहे, पैसे ऐसे नहीं मिले, दो दिन ऐसे में निकल गए, फिर हम घर आए, बच्ची घर वाले आए हैं तो उनका मैं एप्लीकेशन दब लग कर। तो क्या 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 कहा था? 2-4 दिन में कार्रवाई करेंगे।